हेलो एवरीवन, स्नेहा हियर। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे की टिक्की। आइए देखते हैं इसके फायदे क्या क्या है। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, लगभग 2 कप बॉइल्ड आलू, तेल जरूरत अनुसार, अजवाइन मंगरेला और जीरा। अब इसकी मेथड देखते हैं। पहले हमें आलू को छील के और उसे अपने हाथों से क्रश करके चावल के आटे में मिला देना है। इसमें आलू के जो फाक रहेंगे वो एकदम छोटे छोटे रहेंगे। इसे हमें अच्छे से मिलाना है। चावल के आटे को और आलू को अपने हाथों से ही अच्छे से मिलाएं और आप देख सकते हैं इसमें आलू के जो पार्टिकल्स है वो एकदम छोटे हो चुके हैं। पकाने के लिए तेल को गर्म करें और ऊपर से जीरा और अजवाइन मंगरेला डालकर उसे अच्छे से फूटने दें। जब उससे धुआं निकलने लगे और वो अच्छे से फूट जाए, फिर उसे हम चावल के आटे में ऊपर से छौंक लगाएंगे। अब ऊपर से जरूरत अनुसार नमक और पानी डाल के, इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा, और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अगर पानी कम लगे तो आप और पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही बहुत पतला करना है। कि आप वीडियो में देख रहे हैं जैसी कंसिस्टेंसी दिख रही है हमें, वैसे ही हमें रखना है। अब ऊपर से हरी मिर्च अपनी ज़रूरत अनुसार डालें और एक पैन में उसे एक स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा डालें। उसे एक टिकरी का शेप दें। अब ऊपर से तेल डालें और इसे तेज आंच में पकाएं। फूल हल्के हाथों से पलटें और गोल्डन होने तक पकाएं। जब यह गोल्डन रंग का हो जाए, इसे गर्मा गर्म परोसें टमाटो केचप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।